आज श्री रामकृष्ण के एक प्रिय शिष्य स्वामी त्रिगुणातीत आनंद की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी से संक्षिप्त पाठ करेंगे। ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिणन्ति ये भूरिदा जनाः। स्वामी त्रिगुणातीत आनंद का पहले का नाम शारदा प्रसन्न था। श्री श्री दुर्गा देवी की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए उनके पिता बाबू शिव कृष्ण मित्र ने यह नाम रखा था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के नवरा ग्राम में 30 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। शारदा प्रसन्न बचपन से भगवान की पूजा मन लगाकर करते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि 14 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान के 108 स्तोत्र याद कर लिए थे। गीता का पाठ भी वे सुललित स्वर में करते थे। उनका स्वभाव बड़ा सरल और मधुर था। वे एक अच्छे विद्यार्थी थे और सदा प्रथम स्थान पाते थे। एक बार परीक्षा के समय उनकी प्रिय सोने की घड़ी चोरी हो गई, इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। पढ़ाई में उनका मन ठीक से न लग पाया, फलस्वरूप उनके द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, इससे उनका दुख और बढ़ गया। उनके विद्यालय के शिक्षक श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। अपने प्रिय छात्र को काफी समय तक दुखी देखकर वे उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले गए और धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के स्नेहपूर्ण व्यवहार और उनके पवित्र जीवन से शारदा प्रसन्न आकर्षित हो प्राय ही दक्षिणेश्वर जाने लगे। पर उनके पिता को यह पसंद नहीं था। इधर धीरे धीरे शारदा प्रसन्न के मन में संसार के प्रति वैराग्य तीव्र हो रहा था। उनके पिता चुपचाप उनके विवाह की तैयारी कर रहे थे, जिससे शारदा प्रसन्न को संसार में बांध सके। पर जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, वे घर छोड़कर निकल पड़े और एक पत्र लिख छोड़ा। श्रद्धेय पिताजी और स्नेहमयी माताजी, मैं विवाह नहीं कर सकूंगा। नेत्रों की दृष्टि जिधर भी ले जाएगी, मैं उधर ही जा रहा हूँ। संसार के मायाजाल में बद्ध होने को मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। घर से भागकर वे चलते गए और एक घने जंगल में पहुंचकर रास्ता भूल गए। घना अंधेरा हो गया। शारदा प्रसन्न भूखे थे। तब अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण का नाम जपने लगे और प्रार्थना करने लगे और सामने के पेड़ पर चढ़कर सो गए। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। महाराज, भूख लगी है क्या? ये बतासे है, खा लो। उस घने जंगल में वह आदमी एक लोटा पानी और बतासे देखकर कहीं अदृश्य हो गया। इससे शारदा प्रसन्न का हृदय भगवान की असीम दया का अनुभव कर श्रद्धा से भर उठा। श्री रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ। इस रोग से उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। सभी गुरु भाइयों के साथ शारदा प्रसन्न ने भी उनकी मन प्राण से सेवा की। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद अन्य गुरु भाइयों के साथ शारदा प्रसन्न भी कठोर तपस्या में लग गए। औपचारिक रूप से विरजा होम कर संन्यास लिया। नाम हुआ स्वामी त्रिगुणातीत आनंद। संन्यास के बाद वे तीर्थ भ्रमण पर निकले।
कई तीर्थों के दर्शन किए और वहां साधना की। परिभ्रमण काल में उन्होंने तिब्बत के लद्दाख और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की। इस कठिन यात्रा में एक रात वे एक पहाड़ी नदी के पास पहुंच गए। नदी पार करने के लिए एक टूटा बांध था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, काले घने बादलों ने चांद को ढक लिया और घनघोर अंधेरा छा गया। इस अंधकार में एक कदम भी आगे बढ़ाने का अर्थ था मृत्यु। शारदा प्रसन्न उस घने अंधेरे में चुपचाप खड़े हो गए और मन ही मन श्री राम कृष्ण का स्मरण करने लगे। अचानक उन्हें सुनाई पड़ा, मेरे पीछे पीछे आओ। वे चुपचाप चलने लगे और नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। जब तक काले बादल छट गए थे, उन्होंने चांद के प्रकाश में चारों ओर देखा, पर उन्हें किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं दिख पड़ा। एक बार शारदा प्रसन्न को पेट का रोग हुआ। वे एक चिकित्सक के पास पहुंचे। चिकित्सक ने शिष्टता व प्रेमवश एक थाली भरकर रसगुल्ले दिए। उन्होंने सब खाकर खत्म कर दिया। तब डॉक्टर ने पूछा, किस लिए आए थे? शारदा प्रसन्न बोले, पेट में तकलीफ है इसलिए। तब चिकित्सक ने कहा, अरे फिर इतने रसगुल्ले क्यों खा लिए? उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, आपने दिया इसलिए खा लिया। तीर्थ भ्रमण के पश्चात वे प्राय कलकत्ता में ही रहते और साधना करते। इधर अमेरिका में स्वामी विवेकानंद वेदांत का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पूरे भारत को सक्रिय रूप से विकास पथ पर गति देने के लिए योजनाएं बनाई। तभी उन्हें एक पत्रिका के प्रकाशन की आवश्यकता हुई। इस पत्रिका का नाम दिया उद्बोधन और इसके प्रकाशन का भार लिया स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने। इस कार्य में उन्होंने अथक परिश्रम किया था। यह पत्रिका आज भी उसी नाम से प्रकाशित होती है। स्वामी तुरियानंद के अमेरिका से वापस लौट आने पर स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने वहां के कार्यभार लिया। वहां वेदांत दर्शन पर उन्होंने अनेक प्रभावशाली और अनुभूतिपूर्वक व्याख्यान दिए और शीघ्र ही प्रसिद्ध हुए। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने हिंदू मंदिर का निर्माण कराया। वे कहा करते थे, साधु के समान जीवन यापन करो और घोड़े के समान कार्य करो। जो करना है अभी करो, सदा सजग रहकर प्रार्थना करो। स्वामी त्रिगुणातीतानंद को संगीत से भी बहुत लगाव था। सुबह सवेरे वे भक्तिपूर्ण भजन और स्तोत्र आदि का पाठ करते। दिन भर कठोर परिश्रम कर वे सबके बाद कार्यालय के मेज पर ही सो जाते थे, पर सवेरे सबके उठने के पहले वे तैयार होकर दैनिक कार्यों में निमग्न हो जाते। शिष्यों से वे कहते, तुम लोगों को किसी प्रकार खींच तान कर उस अमृत सागर के तट पर ले जाना और उसके बीच में डाल देना चाहता हूं। इसके लिए यदि तुम लोगों की एक एक हड्डी भी तोड़ डालनी पड़े तो मुझे तनिक भी दुविधा नहीं होगी। अमेरिका और इंग्लैंड के कार्यों में उनके प्राणपण उद्यम से लगातार प्रगति होती रही, पर आध्यात्मिक परिश्रम से उनका सबल शरीर टूटने लगा। बीमार होने पर वे कहते, अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के समय सोचता हूं यह शरीर चला जाए, सब समाप्त हो जाए,
परंतु समाप्त तो नहीं होता है। जब यह स्मरण होता है कि माँ का कार्य करना है, तब इच्छा शक्ति के बल पर शरीर को पकड़े रहता हूँ। स्वामी त्रिगुणातीतानंद इस टूटे स्वास्थ्य में भी व्याख्यान दिया करते। एक बार व्याख्यान देते समय एक बम विस्फोटक हुआ, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल के चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ। एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य को निकट बुलाकर कहा, कल मैं देह त्याग करूंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन 10 जनवरी 1915 ईस्वी को उनके प्राण श्री रामकृष्ण के चरणों में विलीन हो गए। अमेरिका में ही उनकी पूत देह का अग्नि संस्कार हुआ था। स्वामी त्रिगुणातीतानंद बहुधा कहा करते, चंचल तथा कई विषयों में बिखरा हुआ मन कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। चारों ओर भगवान को ही देखने का प्रयत्न करो। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिद्यं तं रामकृष्णं सिरसा नमामः। जय स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज जी की जय।